आजकल ना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है जिसमें कार्टून टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप देख पा रहे हो कि फेस जो है एकदम कार्टून जैसा रहता है। आपने जैसा प्रीव्यू में वीडियो देखा, कुछ मतलब कि कुछ इस टाइप की वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका, मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया। एंड आप भी अपने वीडियो को ऐसा बना सकते हो एंड इंस्टाग्राम रील में डालकर बहुत ज़्यादा वायरल हो सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। गाइज, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत होगी। सबसे पहला है आपको स्नैपचैट, दूसरा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा VN ऐप। तो गाइज ये आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा, आसान है। आप यहाँ से आपको सर्च करना है स्नैपचैट। देखो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ स्नैपचैट। स्नैपचैट सर्च करते ही यहाँ पे आपको ओपन में फर्स्ट में ही आ गया। ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब आपको एक VN ऐप डाउनलोड करना है, तो VN जैसे आप सर्च करोगे ये ऊपर ही आ जाएगा, ये VN वीडियो एडिटर, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मतलब कि ये दो ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, कंपलसरी है। इन्हीं दो ऐप में आप जो है अपनी वीडियो को कार्टून टाइप का एडिट करोगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से सिंपल से बैक करते हैं। बैक करने के बाद अभी जो है स्नैपचैट ऐप को आपको ओपन करना है, ठीक है। मैं इसको स्नैपचैट ऐप यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ये स्नैपचैट ऐप हमारा जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो स्नैपचैट आ जाने के बाद आपको स्नैपचैट ऐप को जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से कैमरा का आपको परमिशन मांगेगा, आपको यहाँ से अलाउ कर लेना। हाँ, तो गाइस ये ओपन हो जाने के बाद ये आपसे मतलब कैमरा का परमिशन मांगेगा, ये सब आपको अलाउ कर देना है। एंड देख पा रहे हो कि यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया है और जो मैं बकबक कर रहा हूँ ये आपको सामने दिख रहा है। आपको इस इमोजी वाले बटन पर क्लिक करना है एंड आपको सिंपल से यहाँ स्क्रॉल करके आना है। एंड देखो भाई क्या बना दिया। एंड यहाँ पे आपको कार्टून किड करके एक इफेक्ट जो है मिलेगा, आपको कार्टून किड वाला इफेक्ट जो है यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको कार्टून किड वाला इफेक्ट दिखा रहा हूँ कहाँ पे है, मैं इसको सेव करके रखा हूँ फेवरेट्स में, ठीक है। आप कहीं से भी इसको कर सकते हो, जैसे कि देख लो ये रहा मेरे पास कार्टून किड, तो ये वाला आपको सर्च करके कहीं से भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कोई सा भी एक वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ऐसे आपको प्रेस करके रखना है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ अभी, तो गाइस देख पा रहे हो कि ये लोकेशन जो है अलाउ करने के लिए बोल रहा है, मैं इसको अलाउ कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे इसको म्यूट कर दे रहा हूँ। अब देखो गाइस लोकेशंस मैंने अलाउ कर दिया है। लोकेशंस अलाउ कर देने के बाद आपको सिंपल से यहाँ एक सेव का आइकॉन मिलेगा, सेव पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सेव मेमोरीज एंड कैमरा रोल कर लेना है, ये अब आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान था, ऐसे आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसे आप सेव भी कर सकते हो। अब गाइस आपको एक और वीडियो रिकॉर्ड करना है, वो वीडियो आपका बहुत ही सिंपल होगा, मतलब कि उसमें जस्ट एक फ़िल्टर लगा हुआ रहेगा ताकि आपका स्किन जो है अच्छा दिखे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए गाइस आप ये वाला फ़िल्टर भी ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास इससे जो बेस्ट फ़िल्टर है वो भी देख सकते हो। ये सब फ़िल्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो कोई सा भी गाइस आपको एक और फ़िल्टर जो है यहाँ पे देख लेना है कुछ इस तरीके से, जिसमें कि आपका स्किन जो है ज़्यादा साफ़ है, ठीक है। तो अभी इस फ़िल्टर से भी हम कुछ इस तरीके का एक वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लें। गाइस हमने यहाँ पे वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो रिकॉर्ड कर लेने के बाद सिंपल से गाइस यहाँ से सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अब ये वीडियो जो है हमारी गैलरी के अंदर सेव हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को वीडियो को मर्ज करेंगे हम और एडिट करेंगे, वो करेंगे VN ऐप के अंदर। तो अभी हम इसको बैक कर देते हैं, यहाँ से हम इसको करते हैं कट। कट कर लेने के बाद गाइस अभी हम VN ऐप को डाउनलोड ओपन करते हैं। डाउनलोड तो ऑलरेडी है, ये रहा VN ऐप। VN ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको एड्स को स्किप कर लेना है एंड यहाँ से इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड ये दो वीडियो जो हमने किया था इसे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। इन दोनों वीडियो को गाइज हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। दोनों वीडियो को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, टाइमलाइन पे दोनों वीडियो आ गई है। अब यहाँ से इसकी रेशियो यहाँ पे देख पा रहे हो ओरिजिनल है, ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे एंड इसको 9:16 कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा इंस्टाग्राम रील्स का साइज है तो ये हम सेट कर लेंगे। यहाँ से गाइज आप कोई सा भी म्यूजिक वगैरह ऐड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जो है वहाँ पे शेयर कर दोगे इंस्टाग्राम का कोई से भी ट्राई म्यूजिक करके, तो आपके वीडियो म्यूजिक लग जाएगा, ठीक है। म्यूजिक लगाना तो काफ़ी आसान है, आपको आता ही होगा। एंड यहाँ से देखो हम इसको कर देते हैं कट थोड़ा सा पार्ट, तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, ठीक है। अब गाइज देख पा रहे हो जैसे ही यहाँ पे आया तो ये देख पा रहे हो कि हमारा जो है यहाँ पे फेस जो है चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो, तो गाइज कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इसमें कोई इफेक्ट लगाने के लिए आप ये वही इफेक्ट लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये लाइट वाला इफेक्ट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये वाला इफेक्ट भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कर लेना है आपको। यहाँ से अब आपको फोटो पे आना है, देख पा रहे हो स्किन हमारा कितना रेड रेड दिख रहा है,
तो इसे सही करने के लिए आपको एडजस्ट में चलना है, एडजस्ट में चलने के बाद HSL में चलना है, रेड का सेचुरेशन ही आपको कुछ इस तरीके से कम कर लेना है, अब इसका भी ऑरेंज का भी सेचुरेशन कम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो हमने दोनों का सेचुरेशन कम कर लिया, थोड़ा सा शार्पन को बढ़ा लेंगे एंड सिंपल से डन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि अब ये वीडियो किस तरीके की हो गई, आप देख पा रहे हो कि अभी फेस वगैरह सब कितना ज़्यादा साफ दिख रहा है, ये देखो भाई, मतलब कि ओवरऑल अब हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, इस लास्ट वाले लेयर को आपको डिलीट कर देना है जो कि ब्लैंक था, उसमें VN का कुछ लोगो वगैरह रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से गाइस आप कर सकते हो, आप चाहो तो इस वीडियो में भी बीच में कोई कट वगैरह आप देना चाहते हो, लाइक ये वाइट वाला इफेक्ट देना चाहते हो, ये इफेक्ट दे सकते हो, कोई सा भी इफेक्ट आप देकर वीडियो को एडिट कर सकते हो। काफ़ी आसान था ये ट्यूटोरियल, आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा। एंड कार्टून टाइप का इस तरह का फेस पहले आपको रिकॉर्ड करना है स्नैपचैट ऐप के अंदर, देन अगर आप एक और वीडियो रिकॉर्ड करते हो उसको एडिट करने के लिए, मर्ज करने के लिए आपको ओपन करना होगा VN ऐप, तो VN ऐप में आप इन तरह के वीडियो को एडिट कर सकते हो। ठीक है, म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हो। सो काफ़ी आसान था, आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।